नशे के खिलाफ पिछले 3-4 महीने के अंदर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने और जिस तरह से पंजाब की सरकार ने युद्ध छेड़ा है, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। और अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तस्करों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ हैं। नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, नशे ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सारी पार्टियों से अपील करता हूं, अगर आपकी पार्टी का नेता भी नशा करता है, उसको पार्टी से निकाल दो, उसको पुलिस को सौंप दो। हम सारी पार्टियों से अपील करते हैं, इस नशे के खिलाफ लड़ाई में आप हमारा साथ दो। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उसका किसी को साथ नहीं देना चाहिए। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर चाहे हमारी पार्टी का भी कोई होगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम। एक टाइम था जब पंजाब बेरोजगारी के लिए जाना जाता था। पंजाब के युवा, मैं ये नहीं कह रहा बेरोजगारी खत्म हो गई, अभी भी बेरोजगारी है, काफी बेरोजगारी है, हमें ठीक करनी है। लेकिन आज रोज अखबार उठा के देखो, अखबार के टॉप के ऊपर क्या लिखा होता है, मान साहब ने आज 300 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1200 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। कभी पुलिस की नौकरियां निकल रही हैं, कभी पटवारी की नौकरियां निकल रही हैं, कभी किसी की नौकरियां, इतनी नौकरियां निकल रही हैं। 37,000 लोगों को नौकरी दे चुके भगवंत मान साहब, 37,000 लोगों को। कहां से आ रही हैं इतनी नौकरियां? नीयत साफ है। और यह मत सोचना ये पंजाब के अखबार में छप रही है, पूरे देश के अखबार में छपती है, महाराष्ट्र में भी चर्चा होती है, राजस्थान में भी चर्चा होती है, मध्य प्रदेश में भी चर्चा होती है। अरे पंजाब में तो बड़ी नौकरियां निकल रही है। अब लोग कहने लगे हैं कि पंजाब के अंदर नौकरी देने वाली सरकार आ गई है, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां।